अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा लेक्चर था वो ML इनक्वालिटी से रिलेटेड था। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ML इनक्वालिटी आपको प्रूव करवाई थी, लेकिन इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेट सी विद द आर्क ऑफ द सर्कल दैट मॉड इज इक्वल टू 2। सी हमारे पास एक आर्क है और द सर्कल दैट मॉड इज इक्वल टू 2 फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 2 टू जेड इज इक्वल टू 2 योटा दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फिगर 46। फिगर 46 में ये पोर्शन उसने दिया हमें कंटूर का, जिसके ऊपर हमने ये इस फंक्शन की ये वाली जो वैल्यू है वो लेकर ले चलनी है। इनक्वालिटी 5, इनक्वालिटी 5 का मतलब ML इनक्वालिटी से हमने ये प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल्स टू 6π/7। तो सबसे पहले आप जो जेड प्लस 4 को लिया, जो कि जेड प्लस 4 मॉड है, इसको लिया, इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट की बाय ट्राइंगल इनक्वालिटी। तो जेड मॉड प्लस 4 जेड मॉड 2 के इक्वल है, तो 2 यहाँ पे डालेंगे तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। नीचे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो है जेड क्यूब माइनस 1 होल मॉड इज ग्रेटर एन इक्वल टू जेड मॉड क्यूब माइनस 1 का होल मॉड। यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो ट्राइंगल इनक्वालिटी की क्रॉलरी है वो अप्लाई की है। तो याद रख ले कि जितने भी हमारे पास फंक्शन हैं डिनोमिनेटर में, उनके ऊपर हम जब भी ML इनक्वालिटी अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हम ट्राइंगल इनक्वालिटी की जो क्रॉलरी है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने एंड में क्या करना होता है कि इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो बहरहाल ये जेड जेड मॉड 2 है, 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया, माइनस 1 इक्वल टू 7। तो अब आपने जेड प्लस 4 लिया, पूरा फंक्शन ले लिया, उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड अलग कर लिया। z प्लस 4 की जो वैल्यू है वो आ रही थी लेस देन इक्वल टू 6 डाल दी, और इस फंक्शन का आपने रेसिप्रोकल लिया। ये देखें आपके पास आ गया था z क्यूब माइनस 1 मॉड ग्रेटर इक्वल टू 7। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर z क्यूब माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल टू 1/7। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/7 m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू आ गई 6/7। नेक्स्ट एल की वैल्यू पाई, क्योंकि पाई कंटूर लेंथ ऑफ द कंटूर होती है, और हमें क्योंकि यहाँ पे कंटूर सर्कल की बन है और उसका रेडियस 2 है, तो लेंथ इक्वल टू 2πr, r 2 है, तो यार 2 डाल दिया तो 4π हो गया। अब क्योंकि हमें सिर्फ इसकी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कंटूर हमें चाहिए, हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर्थ पार्ट है उसका पूरे सर्कल का। तो इसलिए हम जब कंटूर को फोर इस लेंथ को 2πr जो हमारे पास 4π आई है, उसको आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो पाई हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एल की वैल्यू आप पाई आ गई, तो अब आपने एम की वैल्यू भी मिल गई, एल की वैल्यू भी मिल गई। तो जब आप ये होल इंटीग्रल लिखेंगे, इधर लिखेंगे लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल, एम की वैल्यू डालेंगे 6/7 और एल की वैल्यू डालेंगे पाई, तो आपके पास ये एक शो हो गया कि दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल लेस देन इक्वल्स टू 6π/7। तो क्वेश्चन 1 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमने बेसिकली शो करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है 1/z²-1, इसके जो इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5/3 आ रही है। इसमें जो कंटूर गिवन है वो हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस 2 है, और इसमें इस सर्कल का हमने वो पोर्शन लेना है जो है 2 से लेकर 2 अयोटा तक। तो ये मैं ML इनक्वालिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz लेस देन इक्वल्स टू m इनटू l। तो फंक्शन की जो अपर बाउंड है वो m है, यानी कि f ऑफ z मॉड लेस देन इक्वल टू m, और ये अपर बाउंड हमने निकालनी है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू ऑन द कंटूर c। l जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंटूर है, तो जब तक ये हम दोनों वैल्यूज फाइंड नहीं करेंगे, यानी कि m और l की, तब तक हम ML इनक्वालिटी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ z की वैल्यू नोट डाउन करते हैं कि f ऑफ z क्या होगा। तो इस केस में f ऑफ z जो है वो है 1/z²-1, यानी कि d ओवर z के अलावा जो भी लिखा होगा वो हमारे पास f ऑफ z की वैल्यू होगी। कंटूर हमारे पास जो है वो बेसिकली सर्कल ऑफ रेडियस 2 का पोर्शन है फ्रॉम 2 to 2 अयोटा। लेंथ जो होगी, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो लिख दिया
पाई इंटू आर, आर क्योंकि यहाँ पे टू है तो टू पाई इंटू टू आ गया। अब हमें यहाँ पे जो कंटूर गिवन है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट है, सिर्फ हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल के जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है उसकी हमने उसकी लेंथ निकालनी है। तो इसलिए फोर से डिवाइड करेंगे, और फोर से जब डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस कंटूर की जो लेंथ है वो पाई आ जाएगी। एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एम की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए हम ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे, जेड वन मॉड माइनस जेड टू मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड वन माइनस जेड टू। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस केस में हम ये वाली इनइक्वालिटी क्यों यूज कर रहे हैं और ट्राइंगल इक्वालिटी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये ट्राइंगल इक्वालिटी है जेड वन माइनस जेड टू मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड वन मॉड प्लस जेड टू मॉड। ट्राइंगल इक्वालिटी के मुताबिक भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर हम अब जेड वन को जेड स्क्वायर के इक्वल रखें और जेड टू को वन रखें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वन मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड जेड मॉड स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन रेसिप्रोकल की फॉर्म है, वन ओवर जेड स्क्वायर माइनस वन है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर हो जाएगी और राइट हैंड साइड जो है वो स्मॉलर हो जाएगी, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या अपर बाउंड फंक्शन की निकालनी है। तो इस केस में हमारे पास जो एम है वो वैल्यू अचीव नहीं होगी। तो जेड वन को हम जेड स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं, तो जेड वो जेड मॉड स्क्वायर आ गया माइनस जेड टू जो है वो वन है, तो वन का एब्सोल्यूट वैल्यू वन ही आ जाएगी। होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वन। अब जेड मॉड क्योंकि गिवन है हमारे पास टू के इक्वल है, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर आ गया माइनस वन होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वन मॉड, फोर माइनस वन थ्री, और थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री आ जाएगी, थ्री इज लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वन होल मॉड। अब क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन रेसिप्रोकल की फॉर्म है तो हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वन ओवर जेड स्क्वायर माइनस वन मॉड लेस देन इक्वल्स टू वन बाई थ्री। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, पहले राइट हैंड साइड बड़ी थी अब छोटी हो गई है, और लेफ्ट हैंड साइड पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई है। तो ये जो वन ओवर थ्री आया है ये एम की वैल्यू है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं एम और एल की, ये पुट करेंगे एम एल इनक्वालिटी में। एम की वैल्यू है वन ओवर थ्री और एल की वैल्यू है पाई, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाय थ्री आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमने यही शो करना था कि इस फंक्शन की जो इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू पाई बाय थ्री है। क्वेश्चन नंबर टू में जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन ओवर जेड पावर फोर, और इस केस में जो कंटूर गिवन है वो एक लाइन सेगमेंट है योटा से लेकर वन तक। ये इस का मिड पॉइंट है, यानी कि आप योटा विच इज जीरो वन और वन जो कि वन जीरो है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये वन टू कॉमा वन टू आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो इस केस में हमें गिवन है कंडीशन कि हमने इस फैक्ट को यूज़ करना है कि मिड पॉइंट जो है वो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है। लेंथ ऑफ कंटूर निकालेंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है और दो पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर पेयर वन जीरो और जीरो वन, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो जीरो वन जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर और वन माइनस जीरो होल स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करें तो वन का स्क्वायर वन आ गया और वन का स्क्वायर अगेन वन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ टू। इस कंटूर की लेंथ आ गई अंडर रूट टू।
ये जो ओरिजिन है और ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, इनका डिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है। अगेन ऑर्डर पेयर हैं दोनों, और डिस्टेंस फार्मूला से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1/√2 है। तो अब यहाँ पे जो मैं फैक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि वो ये है कि जो मिड पॉइंट है वो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है। इसका मतलब है कि जेड की वैल्यू मिड पॉइंट के ऊपर सबसे कम है, तो बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर वहाँ पे जेड की वैल्यू इस 1/√2 से ज़्यादा होगी। तो इसी फैक्ट को यूज़ करेंगे। सो जेड मॉड इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1/√2। जेड की पावर 4 है तो दोनों तरफ हम जेड पावर 4 ले लेंगे। जेड मॉड पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2 पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2 हमारा कैंसल आउट कर देगा 4 को, तो हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगी, विच इज 1/4। अब रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन 1/z^4 की फॉर्म में, 1/z^4 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा और ये m की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जो m एल इनक्वालिटी है उसको यूज़ करें, m और l की वैल्यू डालें। m की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू हमारे पास आई थी √2। तो इस क्वेश्चन में यही शो करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने शो करना है, सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्सेस एट द पॉइंट 0, 3 जोटा एंड माइनस ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सी फिगर 48। ये फिगर 48 दी हुई है, इसमें ये ट्राइंगल है और ये कंटूर गिवन है। इसके ऊपर हमने एम एन इक्वालिटी कंटूर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन डी जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेस देन इक्वल्स टू 60 है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो इंटीग्रल ई पावर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और इसके ऊपर हमने ये ट्राइंगल इनक्वालिटी प्लस आ गया ई पावर जेड मॉड प्लस जेड कॉन्जुगेट मॉड। हमें पता है कि एलिमेंट्री फंक्शन ई पावर जेड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ई पावर एक्स के इक्वल होती है, जो उसका रियल पार्ट होता है। तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया ई पावर एक्स, इसको हम इजीली शो भी कर सकते हैं। जेड कॉन्जुगेट जो है उसकी मॉड की वैल्यू जेड मॉड की इक्वल आती है। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि जेड कॉन्जुगेट और जेड का मॉड इक्वल होता है। ई पावर जेड ऐसे ही रहेगा और जेड मॉड क्योंकि एक्स प्लस योटा वाई है, तो इसका जो मॉडुलस बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ई पावर एक्स है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है। अब हम इस इन दोनों को देखते हैं कि जो हमारे पास कंटूर गिवन है उसके ऊपर ये दोनों फंक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो ये देखें कंटूर हमारे पास सी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है कंटूर, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और जब एक्स नेगेटिव होता है तो ई पावर एक्स जो होगा वो ई पावर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा सिंस एक्स इज नॉन पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो है वो या तो 0 या 0 से छोटा नंबर है, तो इसके लिए ई पावर एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये हमारे पास कंटूर के ऊपर सी कंटूर जो है उसके ऊपर ई पावर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो 1 या 1 से छोटी रहेगी। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन के लिए फाइंड कर ली। इसी तरह ये वो हमारे पास दूसरी जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर देखते हैं कि ये कंटूर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ सकती है। अगेन कंटूर देखें ट्राइंगल रीजन है और इसके हम बेसिकली जो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो एंड पॉइंट्स के ऊपर आ सकती है। एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ओरिजिन पे है, एक 3 एयोटा है और एक -4 एयोटा है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। तो इन्हीं के ऊपर इसको एवेल्यूएट करते हैं हम। ये मैंने एंड पॉइंट्स लिए हैं 0, 0 पे, एक्स को भी 0 वाई को भी 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 की इक्वल आ जाएगा। दूसरा एंड पॉइंट मैंने लिया है -4, 0 और
इस पे जब x की वैल्यू -4 डाली और y को 0 डाला तो ओवरऑल स्क्वायर रूट 4 आ गया। और एक और जो तीसरा एंड पॉइंट ले रहे हैं वो है 0 3, तो 0 3 जो है वो आपके पास जिसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 आ रही है। तो तीनों एंड पॉइंट पे ये हमने वैल्यूज एवेलुएट कर ली, तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 4 इस एंड पॉइंट पे आ रही है और वैल्यू क्या है 4। तो अब ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो थी ई पावर एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है, इन दोनों की हमने कंटूर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यूज निकाल रही है। अब मैं इक्वेशन वन में ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा, तो इक्वेशन वन के हमारे पास लेफ्ट साइड पे था e पावर z माइनस z कॉन्जुगेट मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू e पावर x, किससे लेस आया था 1, तो 1 डाल दिया। और जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो मैक्सिमम 4 आई थी, तो यहाँ 4 डाल दिया, तो 1 + 4 = 5। तो e पावर z माइनस z कॉन्जुगेट मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमें m की वैल्यू फाइंड की है जो m इनइक्वालिटी के लिए हमें चाहिए होती है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। उसके बाद लेंथ ऑफ कंटूर जो है, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर, यानी कि ये साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और इस साइड, तीनों को एंड करेंगे। ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, और ये वाली लेंथ जो है ये आप राइट एंगल ट्राइंगल है उसको सॉल्व करें तो हाइपोटन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास 5 आएगी। तो ये तीनों लेंथ हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंटूर आ जाएगी 4 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 12। अब ML इनक्वालिटी लगाएंगे, ये इंटीग्रल और ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज लेस देन इक्वल टू m इनटू l। m को 5 डाल दिया और l की वैल्यू 12 है, जब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो यही शो करना था कि इस कंटूर की जो ये जो इस कंटूर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीग्रल की वो लेस देन इक्वल टू 60 आ रही है इस कंटूर की, तो यही शो करना था क्वेश्चन 3 में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने भी सॉल्व करना है, ये भी ML इनक्वालिटी के थ्रू होगा और इसका ये अगला पार्ट भी इसको कंप्लीट करिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन 4 से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये एक्सरसाइज के पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2, ये आप यहाँ से इसको देख सकते। अगला टॉपिक है हमारा कॉशी-गॉर्से थ्योरम। ये कॉशी-गॉर्से थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट अ पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन इस इंटीग्रल अलोंग दिस कंटूर इज जीरो। तो ये बेसिकली ये हमने देखना है कि अगर एक फंक्शन जो है वो किसी भी कंटूर के तमाम पॉइंट जो कि उसके इन साइड लाई कर रहे हैं और ऑन द कंटूर, यानी कि जो कंटूर की बाउंड्री है उसके ऊपर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर उस फंक्शन के ऊपर हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे बल्कि उसका डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देंगे। तो ये कॉशी-गॉर्से थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं है, ये डेफिनेशन है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, एक कनेक्टेड सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी क्या होगी, इज अ डोमेन दैट एवरी सिंपल क्लोज कंटूर विद इन इट इनक्लोजेस ओनली पॉइंट्स ऑफ डी। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ पॉइंट्स इंटीरियर टू ए सिंपली क्लोज कंटूर इज एन एग्जाम्पल, कोई भी सिंपली क्लोज कंटूर जो उसके इंटीरियर पॉइंट है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगी। और इसी का आगे वर्जन है, अगर एक फंक्शन एनालिटिक हो थ्रू आउट ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन इसका भी इंटीग्रल जो है वो जीरो है। ये कॉशी-गॉर्से थ्योरम है फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन।